जो जागरूक है वही सुरक्षित है, और सकारात्मक सुरक्षा ही सफलता का पहला कदम होती है। इसी संदेश के साथ दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा ने एक रैली का आयोजन किया। क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर विद्यालय ने अपनी बसों के काफिले के साथ शहर के मुख्य स्थानों पर भ्रमण किया। सेंटा की छवि और परियों के स्वरूप बच्चों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र रहे। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के चेहरे अपने शिक्षकगणों से मिलकर खुशी से खिल उठे। सभी नववर्ष के स्वागत के लिए उत्साहित थे। कोरोना महामारी को पराजित कर नई ऊर्जा से नववर्ष का स्वागत करने का उत्साह सबके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। अभियान का आरंभ विद्यालय के चेयरमैन श्री एसपी पाल, प्रधानाचार्य सीमा गुप्ता ने किया। वहीं कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी गीते सर ने संभाली। ये रैली शहर के मुख्य स्थानों से जैसे कृष्णा नगर, महुरी रोड, मसानी चौराहा से होकर टैंक चौराहे से होकर गुजरी। साथ ही वृंदावन में प्रेम मंदिर, रुक्मणी विहार, पुष्पांजलि कॉलोनी से होकर इस नववर्ष संदेश को प्रसारित किया गया। गीतेश कुमार, रुचि अरोड़ा, त्रिनेत्र मोहन भारद्वाज, प्रशांत वाष्णे, हेमलता, नीलेश, दीपमाला, बविता आदि तमाम शिक्षक उपस्थित रहे। नमस्कार। आज नववर्ष की पूर्व संध्या पर डीपीएस मथुरा ने जो एक रैली का आयोजन किया है उसके लिए मैं उनको मुबारक देता हूँ। और आज इस रैली का जो मुख्य उद्देश्य है, इसके पीछे रहा कि हम अपने बच्चों को जो कोरोना टाइम से लगभग 9 महीने से घर पर है, उनको मोटिवेट कर पाए। और उनको मोटिवेट करके हमने जहाँ पर उनको एक ये संदेश भी देना है कि आने वाला समय हमारे लिए खुशियों भरा होगा। मैं इस सारे जो आज रैली का जो आयोजन किया गया उसके लिए पूरे डीपीएस मथुरा स्टाफ को मुबारक देता हूँ, और आगे डीपीएस मथुरा ऐसा आयोजन करता रहेगा। इसके पीछे कि जो मेन उद्देश्य था कि हमने अपने बच्चों को ये भी बताना था कि कोरोना के टाइम पे जो हमने ऑनलाइन भी इस काम को बड़ा बहुत अच्छी तरह निभाया, और आगे भी हम अपने बच्चों को संदेश देना चाहते थे इसके पीछे, रैली के पीछे, कि हमें अभी भी काफ़ी प्रिकॉशंस लेनी है। थैंक यू। आज जो कार्यक्रम रखा गया, क्या खास कार्यक्रम रखा गया विद्यालय में? इस साल हमने काफ़ी कठिन परिस्थितियां देखी, जैसे कि लॉकडाउन, सफरिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन, और आइसोलेशन के चलते बच्चों के मानसिक और शारीरिक डेवलपमेंट पे काफ़ी असर आया है। इस नववर्ष के आगमन की खुशी में हम सब बच्चों को मिलकर कुछ खुशियां बांटना चाहते हैं, उनके चेहरों पे, नन्हे चेहरों पे कुछ मुस्कान लाना चाहते हैं। और जो टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो बॉन्ड खो रहा है उसको एक रीएस्टेब्लिश करने का ये एक प्रयास है। ठीक है, दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा का ये जो कॉन्वॉय है आज मथुरा वृंदावन की तरफ अग्रसर है। इस अभियान का एक ये भी उद्देश्य है कि कोरोना अवेयरनेस हम कैसे स्प्रेड करें और इससे कैसे कैसे बच सकते हैं वो तरीके बताएं। ये अभियान हम कुछ दिन पहले भी चला चुके हैं और चलाते ही आए हैं, जिसमें हमने लोकल सोसाइटीज़, लोकेलिटीज़ में जाकर मास्क, सैनिटाइज़र का उपयोग करना सिखाया और बहुत बार मास्क, सैनिटाइज़र्स और हैंड ग्लव्स भी बांटे। इसी के साथ हम ये आशा करते हैं कि ये नया वर्ष सबके लिए सुखद, समृद्ध और खुशियों भरा हो। आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।